अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही इजी है और ओवन के बगैर हम इजीली बना सकते हैं। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और उस पर मैंने दो अंडे ऐड किए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप चीनी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बीटर से इसको बीट कर लिया है। आप चाहें तो मैन्युअली हैंड ब्लेंडर से इसको मिक्स कर सकते हैं। तक यहाँ पे हम इसको बीट कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। बीट करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। अब फिर से इसको बीट कर लेते हैं। केक अच्छा बनाने की पहली ट्रिक यही है कि उसको अच्छी तरह से बीट किया जाए। अब इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करना है। मेक श्योर कि दूध ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं है, इट शुड बी ऑन रूम टेम्परेचर। अब इसमें मैं 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर। मैदे को हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसका फायदा ये होगा कि मिक्सचर में लम्स नहीं बनेंगे। इस तरह करके मैंने सारा मैदा इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं फिर से। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। नाउ लेट्स मिक्स इट अगेन। नाउ इन द एंड 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया वनीला एसेंस। और हमारा केक का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे जिसमें हमें केक को बेक करना है। अब हमने इस बाउल को घी के साथ ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद मैंने ऊपर से मैदा स्प्रिंकल कर लिया है लाइक दिस। अब हम अपना केक का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे। ट्राई नॉट टू वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ दिस मिक्सचर। अब हम इसको जल्दी से बेक कर लेते हैं। बेक करने के लिए हमें एक इतने बड़ी साइज का एक पतीला लेना है। हमने इसको पहले से ही प्रीहीट कर लेना है। प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो बाउल जिसको हमने इसको पहले ही प्रीहीट कर लेना है। अब जल्दी से हम अपने बाउल को इसमें डाल के इसको कवर कर लेंगे।
बिल्कुल ही लो फ्लेम पे फॉर 50 मिनट्स इसको कुक करना है। 50 मिनट्स हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं। केक बिल्कुल रेडी हो गया है। नाइफ से मैंने चेक कर लिया है कि ये बिल्कुल पक गया है। केक बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल स्पंज की तरह।